अज्जू भाई को एक टाइम पे यूट्यूबर बनना था, ठीक है, यूट्यूबर बन गए, उनको बड़ा यूट्यूबर बना था, बड़े यूट्यूबर बन गए, एशिया का बड़ा यूट्यूबर बना था, एशिया का बड़ा गेमर बन गए, ये रिवील करना था, वो नहीं किया, बन गए क्या सिंगर। So, hello guys, welcome back to another meme review video. तो guys, आज हमारे पास काफी खतरनाक जबरदस्त मीम्स आ चुके हैं और मेरे साथ है guys, gaming freak and smarty जो मेरे साथ आज react करेंगे। चलो guys, मीम्स देखते हैं। Guys, gaming freak को आप लोग जानते होंगे, आज से लाइक 2 साल पहले फ्री फायर इन 2070 बनाया था, 10-15 मिलियन व्यूज आए थे, इसने भी फेस रिवील किया है, ठीक है, बट उससे पहले हम लोग आज देखेंगे फ्री फायर के मीम्स। सुन फ्रिक, स्मार्टी सुन, अपने दोस्तों को तू 7-0 हराने के बाद फ्री फायर में तू क्या करेगा, इमेजिन कर। ये देख भाई, अगर जाके उसका मोबाइल छीन के ले आऊंगा, ये देख, ये देख ना अपने दोस्त को 7-0 से हराने के बाद, यहाँ पर देख, कस्टम में हराने के बाद हम स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं लेते कि उसे स्टेटस में लगा दो, बल्कि इसलिए लेते हैं कि वक्त आने पे उसे औकात दिखा सके। भाई जीरो भाई, अगर इस वीडियो में 10,000 कमेंट आएगा ना, मैं किसी को हरा के ना मजाक, अगर इस वीडियो में 10,000 कमेंट आ गया, कसम से मैं एक बड़ा सा बैनर से बना, इतना बैनर नहीं, बड़ा सा ऐसे लाइक पोस्टर ऐसे कागज छपा के ना मैं कहीं पर रोड में चिपका दूंगा, कसम से 10,000 कमेंट इस पोस्ट में, ठीक है, किसी भी यूट्यूबर को हरा के मैं इसे चिपका दूंगा। चलो डेयर ले लिया तुम लोगों, डेयर दिया वो तो ठीक है, फोटो भी लगाए, वही तो बोल रहा हूँ, फोटो के साथ कोई यूट्यूबर को हराऊंगा, फोटो के साथ चिपका दूंगा कहीं पर वॉल में, बड़ा सा वॉल में, चलो ठीक है, बट 10,000 कमेंट चाहिए मुझे। हाँ चलो, यहाँ पर सलाइन लगा हुआ, देखते हैं क्या करना है, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान। ग्रीन मास्टर पे जाने का है। भाई साहब, रैंक पुशिंग चल रहा है भाई यहाँ पर तो, खतरनाक वाला यार, टॉप अप चढ़ रहा है उसका। भाई साहब, ग्रैंड मास्टर में जा रहा है, देख रहे हो। जब मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़कर किसी और के साथ रैंक पुश करे। तुम कोई नूर हीरा छोड़ के कचरे के पास गए हो। क्या कमी की तुमको मैंने। हम लोग इस मैटर को रैंक पुशिंग नहीं खिलाते, ऐसे ही बोलता होगा ना। मैं ऐसे ही बोलता हूँ भाई, बिल्कुल, इससे ज्यादा विराज बोलता है। अबे साले, ओए मुझे ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, ये वाला तो सबसे अच्छा ही होगा, देख लेना। एक पॉइंट पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। पापा मुझे ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है। एक पड़ेगा एटीएम पे, क्यों डाल रहा है वहां पे आगे दो मिनट। क्या कर रहा है ये तो संडास में बैठा। ले भाई, गिरा दिया, घंटे मार दिया। दो मुंडा आ गया। ये बॉल तोड़ रहा है भाई, क्रिएटिविटी कैसे किस चीज है ना, लोग शॉट में मेहनत करते हैं। हवा में यूं कैसे कर रहा था भाई ये? अरे पागल, वो स्टोर से खरीद रहा है, समझ ना, ओपन वर्ल्ड है ना। पीछे बुराई करने वाले दोस्त ने साथ प्रीमियम पाउडर। ए क्या क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पीछे बुराई करने वाले दोस्त ने साथ में फ्री फायर खेलने वाले दोस्त। भाई भी तो ऐसा क्यों लग रहा है, लड़का है। पीठ पीछे बोलने वाला लोग नहीं, फ्री फायर खेलने वाला दोस्त सही। हेलो, मेरा ये बैटरी ले जाओ। पाकिस्तान से लड़की लाने के लिए मेरा दोस्त कितनी तैयारी कर रहा है। नहीं ला सकते पाकिस्तान से लड़की यार, क्योंकि अभी सर्वर अलग नहीं है ना, अलग अलग है ना अभी। हम बांग्लादेश से भी नहीं ला सकते, अलग आईडी से खेलना पड़ेगा यार, बहुत लफड़ा है, वीपीएन से हो सकता है बट। ये भगवान, क्या जुलुम है। सो गाइस, आज से करीब 2 साल पहले फ्रीक ने एक वीडियो डाला था जिसमें 10-12 मिलियन कितना व्यूज था, फ्री फायर इन 2070 ना, 2050। तूने तूने 2050 बनाया था, बट तूने वो इमेजिनेशन में बनाया था, ठीक है, बट रियलिटी क्या है, देख यहाँ पर, ये देख। कुछ ज्यादा ही हवा में था ये। माई गेम प्ले इन ट्रेनिंग ग्राउंड,
कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा ता मिलू 295 जेकर इत कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्म दे नाम ते डिबेट मिलूगी, जे सच बोलेगा एंड में क्या आएगा पता है बच्चा आएगा जे करेगा तरक्की अभी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मीम्स आ चुके हैं और यहाँ पर पता नहीं ये बंदा कंप्यूटर टेबल के साथ कुछ कर रहा है, यहाँ पर कुछ अलग लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। ओके बैठने का जगह बना रहा है क्या? ओ भाई भाई साहब, भाई कंफर्ट जोन मैटर करता है, समझ रहे हो? मतलब बंदे ने कंफर्टेबल के लिए उसने पीसी को एकदम चिपका दिया, कीबोर्ड को चिपका दिया, पूरा मॉनिटर को ऐसा हिला दिया और नीचे से मतलब बेड बना के एकदम कंफर्टेबल तरीके से बैठ गया। पीओवी माय बॉयफ्रेंड टीचिंग मी टू प्ले गेम्स। भाई ये फ्री फायर में ना तो मैंने खेला है बहुत सारे बार, जब मैं नए नए बच्चों के साथ खेलता हूँ ना उसमें बताता हूँ ऐसे ग्लूअर लगाओ, ऐसे करो, ऐसे करा। अच्छा मी इन 2018 आपको हीरो क्लासेस बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप हीरोइक पे आसानी से पहुँच सकते हो। यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको यहाँ भाई, भाई 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 हमने क्या कुछ देखा ना फ्री फायर की जर्नी में। फैक्टर के ऊपर गाड़ी लेके चढ़ते थे हम लोग, मॉन्स्टर ट्रक ग्लिच यूज करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। वो तो छोड़ो, फ्री फायर ने लॉबी में एक दो डायमंड देते थे, लोग सिर्फ लॉबी में जाके बैक करके डायमंड कलेक्ट कर करके लिटरली इलीट पास खरीद लेते थे। भाई भाई फ्री फायर की हम लोगों ने वार्ड तो लगाई थी एक टाइम पे गंदी वाली। भाई सो ट्रू, भाई सो ट्रू। अगर फ्री फायर वाले मेरा ये क्लिप को देख रहे हैं ना, तुम लोगों को सबसे पहले लॉबी चेंज करना है, ठीक है? लॉबी लिटरली इतना छोटा है, वो गन लेके ना तुम्हारे इस कान से कान नहीं मिला, कहीं और भी घुसड़ के वो गोली चलाते रहते हैं और इसकार मजा लगा के भैंस किया कितना साउंड करते लॉबी में। ये लॉबी एकदम बड़ा करो, इतना बड़ा करो कि लोग कम से कम दूर दूर 2-3 किलोमीटर दूर जा सके। भाई तुमको इतना कंजूसी, एक प्लेन का इतना प्लेन है कि वो कंटेनर है पता नहीं उसके अंदर घुसड़ देते हो और उसके बाद ये साउंड। भाई दिस इज बैटल रॉयल, पता है बैटल रॉयल है, हम थोड़े ना बॉर्डर में जाएंगे, हम गेम खेलेंगे। मैं तो ना ऐसे खोलता हूँ या फिर जीरो साउंड करता हूँ, मेरे को तो अभी सुनने में ना इरिटेटिंग लग रहा है। भाई पिक मत देना, एनिमी स्नाइपिंग कर रहे हैं टीममेट्स। पट्टा से हेडशॉट। फ्री फायर खेल रहे डोंट से भाई साहब चलती साइकिल में हाथ छोड़ के फ्री फायर खेल रहा है वो सीएस। भाई भाई लेजेंड है ये, लेजेंड है, देख भाई 32 तोपों की सलामी भाई इसको। भाई ये तो लेजेंड निकला बे, ये तो लेजेंड निकला यार, ये है स्पोर्ट्स प्लेयर गाइस। एफएफएस यही जीतेगा, बाकी कोई जीते ना जीते ये जीतेगा पक्का है। प्रतिदिन फ्री फायर खेलने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर वन टैप हेडशॉट मारने की स्किल डेवलप नहीं हो पाई है और तुम बंदों को बॉडी शॉट मारते हो भाई यार वन टैप का मेटा ये लोग अपडेट में चेंज कर देते हैं यार, एक गन से अच्छा लगता है दूसरा गन चेंज कर देते हैं, हम करें तो करें क्या यार, ये तो मुझे बोल रहा है यार। अगर तुम्हें भी लगता है कि ईवो गन्स को मैक्स करने के बाद तुम प्रो हो जाओगे और तुम बंदों को वन टैप हेडशॉट मार के नॉक कर दोगे तब तो बेटा पक्का नूब हो तुम। भाई बंदा नॉक ही होगा, बंदा फिनिश होगा ही नहीं। सोनिया दिमित्री इन टोकन रिवाइवल पॉइंट रिवाइवल स्पॉट दुनिया भर के आइटम है यार, 100 वेज टू रिवाइव इन फ्री फायर। भाई बंदा तो नॉक ही होगा, मरेगा तो बिल्कुल भी नहीं भाई, वो अमर है। अगर तुम्हारे बॉट जैसे गेम प्ले के चलते तुम्हारे लिए ग्रैंड मास्टर पुश करना असंभव है पर उसको संभव करने के लिए तुम हैक्स या कॉन्फिग्स का यूज करते हो तो भी नूब हो तुम। आई मे बी नूब, आई मे बी बॉट, बट रैंक पुशिंग के दिन ग्रैंड मास्टर हमने भी गया है यार टाइम पे यार, इतना भी हार्ड नहीं है, रात रात खेलकर 24 घंटे खेलकर हमने ग्रैंड मास्टर पुश किया है, बट हैक वैक जो यूज करते ना ऐसी कोई बात ही नहीं यार, मेरा गेम प्ले हैकर से कम थोड़ी ना है यार। अगर एक बंदे से 1v1 लेने में तुम्हारी हालत खराब हो जाए और तुम्हारे अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारा रैंक डायमंड से ऊपर ना जा पाए तब तो बेटा गेम डिलीट मार दो, पक्के नूब हो तुम। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रैंक पुशिंग फ्री फायर में इतना इजी है, उतरो समुद्र में जाओ, तैरो तैरो तैरो, थोड़ा सा घूमो और मर जाओ, डायमंड तो पहुंच ही जाओगे।
अगर तुम भी मरने के डर से सोनिया और डिमिट्री कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करते हो तो नूब हो। यस एब्सोल्युटली राइट है, जो लोग सोनिया डिमिट्री यूज करते हैं तुम सब नूबड़े हो बे। मैं तो सोनिया डिमिट्री इसको मारता है उसको तो मैं सीधा ना इसे लाइक रिपोर्ट मार देता हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ, मैं तुम लोग एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है एक सेकंड रुको। जो लोग सोनिया और डिमिट्री यूज करते हो तुम सब नूबड़े हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर इन्होंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था, मैंने कमेंट भी किया था। ये देखो यहाँ पर बैन नोटिस, ठीक है यहाँ पर क्या लिखा है, बैन नोटिस। इन्होंने 282,707 अकाउंट को बैन किया है और इन्होंने बोला चीट वीट यूज मत करो, हैक वैक यूज मत करो। और मैंने यहाँ पर कमेंट किया था, मैं तो जो सोनिया डिमिट्री बनकर मारता है उन सबको रिपोर्ट कर देता हूँ। और भाई 1800 लोगों ने कमेंट को लाइक किया है, मतलब वो सब एग्री करते हैं भाई, रिपोर्ट मारा उन सब लोगों को। वो सब के सब नुबड़े है बे, बहुत बुरा लगता है इस चीज से यार, बहुत बुरा लगता है मुझे तो बहुत बुरा लगता है, तुम्हारा पता नहीं। ठीक है भाई, तो इतना गेम खेलते हो घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं क्या? डेली गालियां खाता हूं। भाई मेरे भाई और बहनों जो भी लोग देख रहे हो लाइक कर दो। गाइज यार कसम से बोल रहा हूँ, अभी ना मेरे प्रोफाइल में अभी 1 मिलियन 2 मिलियन डायमंड से मुझे स्पिन करने का ना वो फीलिंग आता ही नहीं, इसलिए मैं स्पिन का वीडियो करता नहीं। लाइव पे सिर्फ स्पिन करता हूँ, बहुत कम ले करता हूँ। तो कोई नया चीज़ एकदम बढ़िया चीज़ आया तब भी लाइक ऐसा होता ना कि लाइक अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ कम है ना और कोई तुमको लाइक थोड़ा हाई लेवल की चीज़ चाहिए ना तो उसका लाइक एक एक्साइटमेंट रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि लाइक अब मेरे प्रोफाइल में मान लो होता 2000 डायमंड और कोई एक ऐसा इवेंट आता कि जो 10,000 डायमंड खर्च करने मिलता है और वो 2000 डायमंड में ना मतलब लक अपने आप के ऊपर किस्मत को हम लोग वो करते चैलेंज करते भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि नहीं, तो फीलिंग आता था यार। अभी भाई तुम अभी यूट्यूबर जितने भी है वो लोग ना लाइक वो सब मेरे को लगता है फेक है, वो सारा का सारा रिएक्शन फेक है। भाई तुम्हारे प्रोफाइल में डायमंड इतना है भैंस के क्या फर्क पड़ता है, वो सब के सब फेक रिएक्शन है। तुम खुद सोच के देखो मेरे प्रोफाइल में 2 मिलियन डायमंड है, गेम में गेम का क्या, गेम का बाप कोई भी इवेंट लेके आया मैं उसको निकाल लूंगा। चलो मैं तो बोलता हूँ इवेंट लाओ सिर्फ यूट्यूबर लोगों के लिए और वो एक स्पिन का 1-1 लाख डायमंड कर दो तब भी ये लोग निकालेंगे, तो नहीं है ना वो एक्साइटमेंट, वो फीलिंग्स नहीं है। ये रेड क्रिमिनल औकात था, मेरा भी नहीं था, बाकियों का छोड़ो मेरा नहीं था, रेड क्रिमिनल, ये क्रिमिनल इनक्यूबेटर मेरे सामने आके चला गया। कौन खरीदेगा इतना डायमंड, कौन खर्चा करे, मतलब मेरे को भी पता नहीं था कि मैं इस जगह पे आ जाऊंगा। अगर मैं आता तब भी तो उस टाइम तो पैसे नहीं थे ना, तो फीलिंग्स की कमी है बताए। और जिसके पास नहीं होता इसलिए मैंने कोई बंदा मुझे मांगता है ना आजकल बच्चे, तो मैं मना नहीं करता, मैं दे देता हूँ गिफ्ट मांग के दे देता हूँ। बट जब बड़े लोग मांगते हैं उनको समझदार होना चाहिए, बट बच्चे वगैरह अगर रैंडमली कोई बच्चा मिल गया कुछ भी लाइक छोटा एज का कोई बंदा रैंडमली मिल जाता है या कस्टम जीतता है मैं इसे दे देता हूँ कुछ भी गिफ्ट आइटम वगैरह, तो लाइक उनके पास नहीं होता। बट अपने को ना मेरे को तो फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है, इवेंट कुछ भी आए मेरे अंदर कुछ भी फीलिंग नहीं है। टॉपअप वॉपअप ये मोंती डायमंड ये भाई क्या क्या छोड़ो अभी यार, नहीं है मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। ये था ना एक टाइम पे एक्साइटमेंट, ये रियल है, भले ये रील्स के लिए बनाया है बट ये 100% रियल है। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को आज का मीम रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का मीम रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले मीम रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।